अमीर और गरीब के बच्चे का पहला खिलौना। अजी कहाँ चल दिए, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। तुम चाय बनाकर रखो, मैं आकर पीता हूँ। वो वैभव भैया ने बुलाया है, वही जो पड़ोस के बड़े बंगले में रहते हैं। पर वो तो इतने अमीर और बड़े लोग हैं, उन्होंने आपको क्यों बुलाया है? हम जैसे छोटे और गरीब लोगों को अमीर लोग ऐसे थोड़ी पूछते हैं, किसी काम के लिए ही बुलाया होगा। देखता हूँ जाकर, जो ही 100-200 कमा कर ही ले आऊंगा और क्या। वैभव का गरीब घर सागर की झोपड़ी से सटा हुआ पड़ोस में ही पड़ता था, लेकिन वैभव की पत्नी डिंपल बहुत ही घमंडी थी, इसी कारण वह वैभव और सरोजनी को मतलब नहीं रखने देती थी। नमस्ते डिंपल भाभी जी। हाउ डेयर यू, तुमने भाभी किसको कहा? हाँ, कोई जरूरत नहीं रिश्ता लगाने की। डिंपल काम डाउन, डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा करने के लिए मना किया है, वरना बेबी पर असर पड़ेगा। जाओ जाकर आराम करो। जा ही रही हूँ, वैभव हमारे बेबी का रूम कब डेकोरेट करवाओगे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुझे पहला महीना ही लगा है। जरूरत है मम्मी जी, जितना जल्दी मेरे बच्चे का रूम डेकोरेट होगा, मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर सजाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं आज ही इंटीरियर डिजाइनर वाले को बुला लेता हूँ। सागर, सुना है तुम राजमिस्त्री का काम करते हो? जी जी मालिक। तुम मुझे भैया कह सकते हो। नहीं नहीं, कहीं मालकिन फिर से नाराज हो गई तो। हम छोटे लोग हैं ना बाबूजी। छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसानियत बड़ी बात होती है। मुझे अपने बंगले में पेंट करना है और मैं चाहता हूं कि ये तुम कर दो। हाँ कर दूंगा भैया जी। सागर प्रसन्न मन से घर लौट आता है, जहां नूपुर उल्टियां कर रही थी। अरे नूपुर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, एकदम से तुमको क्या हो गया? चलो चलो डॉक्टर के पास दिखाने चलते हैं। तभी नूपुर लजाते मुस्कुराते हुए कहती है, डॉक्टर के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है जी, आप पिता बनने वाले हैं, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर गरीब सागर की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है नूपुर। मैं खुद बिन माँ के बाप के पला हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के पास पिता का साया और माँ की ममता दोनों होगी, उसे मैं बहुत प्यार दूंगा। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन गरीबी अमीरी के दो हिस्सों में जहाँ डिंपल की जिंदगी आलिशान तरीके से खुशियों में गुजर रही थी, तो वहीं नूपुर को गर्भावस्था में कभी कभी गरीबी इस हद तक बढ़ जाती थी कि उसे वक्त की रोटी के लिए भी झांकना पड़ता था। दोनों को 7-8 महीने हो जाते हैं। एक दिन वह अपनी झोपड़ी के बाहर उदास मन से बैठी होती है, तभी ढेर सारे खिलौनों से भरी एक ट्रक बंगले की तरफ जाते देखकर नूपुर नम आंखों से अपने पेट को लाते हुए बातें करती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि तू कैसी किस्मत लेकर इस गरीब माँ के कोख में आया है। तेरे पिता हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो महंगे खिलौने खरीद कर ला सके। लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तेरी ये माँ तेरे साथ खेलेगी। नूपुर के अंदर की माँ जैसे अपने आने वाले बच्चे के प्रति लाखों अरमान सजाए थी, जिन्हें टूटता देखकर पीड़ा उसकी सूरत पर साफ दिख रही थी। तभी वहां पर सरोजनी आ जाती है, उन्हें देखकर नूपुर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ लेती है। अरे माँ जी, आप आइए ना, बहू थोड़ी देर में मेरी बहू डिंपल की गोद भर आई है, तू भी चली आना। जी अच्छा, लेकिन मेरे पास तो उन्हें तोहफे में देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे खाली हाथ जाना ठीक भी नहीं लगेगा, मैं कपड़ों की गुड़िया बनाकर तो दे सकती हूँ उन्हें। नूपुर कपड़ों और कुछ बटन के सहारे बहुत ही सुंदर सी गुड़िया बना कर ले आती है, जहाँ एक बड़े से महंगे सोफे पर डिंपल गहनों में लदी महंगी सी साड़ी में सज धज कर बैठी हुई थी, और लोग गोद भराई में आकर उसे महंगे महंगे खेल खिलौने दे रहे थे। नूपुर तू भी यहाँ डिंपल के बगल में बैठ जा, तू भी तो माँ बनने वाली है, तेरी भी गोद भराई हो जाएगी। नूपुर बैठ जाती है, सरोजनी उसे हल्दी कुमकुम लगाकर गोद भराई करती है, जिस पर डिंपल भड़क जाती है। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दिया। डिंपल मेम साहब, ये छोटा सा खिलौना आपके बच्चे के लिए। नूपुर जैसे ही खिलौने को डिंपल की गोद में रखती है, वह उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और सैंडल की नोक से कुचलकर तोड़ डालती है।
तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसी दो कौड़ी के गरीब के दिए खिलौने से मेरा बच्चा खेलेगा? ये सब देख रही हो, ये सारे खिलौने मेरे होने वाले बच्चे के लिए हैं, लाखों के हैं ये, इसके आगे तुम्हारी जुगाड़ू खिलौने की क्या औकात? हाँ, इतने अपमान के बाद नुपुर फूट फूट कर रो देती है। एम साहब, खिलौना चाहे एक रुपए का हो या लाख रुपए का, बच्चे को उसके मोल से मतलब नहीं होता, पता है, क्योंकि उनमें मासूमियत होती है। माँ बनने जा रही है ना, आप बता सकती हैं बच्चे का सबसे पहला खिलौना क्या होता है, बच्चा किस चीज से सबसे पहले खेलता है? नहीं पता होगा, बच्चों के लिए उसका सबसे पहला खिलौना उसकी माँ का आंचल होता है, लेकिन ये आप नहीं समझेंगी। नुपुर की बातें डिंपल को चुप करा देती हैं। वह पैर पटकती रह जाती है, लेकिन इतने के बाद भी डिंपल सबक नहीं लेती। थोड़े दिन बाद दोनों को बच्चा पैदा होता है। जहां नुपुर सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है, तो वहीं डिंपल की डिलीवरी एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर, कहाँ है मेरा बच्चा? डिंपल की डिलीवरी तो कब की हो गई? मैं मेरे बच्चे को देखना चाहता हूँ, उसे गोद में लेना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर वैभव, आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है, उसका अच्छे से ध्यान देना होगा, और 6 महीने तक माँ के दूध के सिवा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। अगले ही दिन वैभव डिंपल और अपने बच्चे को घर लाता है, लेकिन एक दो दिन में ही डिंपल अपने बच्चे से चिढ़ जाती है। ओह गॉड, इस बच्चे ने तो जीना हराम कर दिया है, भय भय करके रोने के सिवा कुछ आता जाता नहीं है क्या तुझे? ये बच्चे बोलता क्यों नहीं तू? डिंपल महंगे महंगे खिलौने दिखाकर उसे लुभाने की कोशिश करती है। अले बाबा, दे तो मेरा बेबी टेडी बेयर से खेलेगा। अब तो हद ही हो गई है, ये बच्चा मुझसे नहीं संभलने वाला, कल ही मैं मेड लगा लूंगी। डिंपल अपने बच्चे को खिलौने देकर रोता छोड़कर सो जाती है, जबकि गरीब मां नुपुर मयार मन से रात भर अपने बच्चे को बाहों में झुलाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अरे देखो तो मेरे राजकुमार की हंसी कितनी प्यारी है। अगले दिन, नमस्ते मैम साहब, मुझे डिंपल मैडम ने बुलाया है बच्चा खिलाने के काम के वास्ते। बहू, तुमने बुलाया है क्या इसे? जी मम्मी जी, अब से कविता ही मुन्ने को संभालेगी, क्योंकि मेरे बस की तो वो है नहीं। सुन कविता, आज से तू बाबा के रूम में रहेगी और उसे टॉयज से खिलाना, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो मैम साहब, कविता है ना। लेकिन कविता बहुत ही कामचोर थी, डिंपल के बच्चे को नहलाने धुलाने से लेकर वो हर काम खिलौने देकर करती। ऐसे ही 1 साल गुजरने को हो जाता है। अबे चुप हो जा हलकत कुतरिया, वरना लगाऊंगी एक लप्पड़। ये ले तेरा हाथी घोड़ा बालू खिलौना, उससे खेल। बेचारा बच्चा भूख से छछनता हुआ सो जाता है और कविता आराम फरमाती है। वहीं नुपुर अपने बच्चे को मालिश करती, नहलाती, धुलाती और उसके लिए खुद ही खिलौना भी बन जाती। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे ये क्या नुपुर, राजा के लिए तुम खुद ही घोड़ा बन गई? हाजी क्या करूं, अब घर में तो कोई खिलौना है नहीं, अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो ये माँ करेगी ही। अब गुजरते दिनों के साथ डिंपल के बेटे का शरीर कमजोर और कुपोषित होने लगता है। एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वैभव उसे डॉक्टर के पास लाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। जी बच्चे को यहाँ लेटाइए। अच्छी तरह से जांच करने के बाद डॉक्टर गंभीरता से कहता है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही वार्न किया था कि आपका बच्चा कमजोर है, इसे मालिश और माँ के दूध की सबसे बढ़कर जरूरत है। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इसका ध्यान करिए, वरना फिर आप अपने बच्चे को खो देंगे। ऐसा फिर कभी नहीं होगा डॉक्टर। दोनों बच्चे के साथ घर लौटते हैं और कविता को काम से निकालकर नुपुर को रख लेते हैं। नुपुर की गोद में अपने बच्चे को डिंपल से देखा नहीं जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपनी गोद में लेने की? निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो। बस डिंपल, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। लाखों का खिलौना घर में खरीद के रख देने से बच्चा नहीं पलता, बच्चे का खिलौना माँ की ममता और उसका आंचल होता है, जिसे तुमने मेरे बच्चे को दूर रखा। एक नुपुर जी है, सीखो इनसे कुछ, देखो उनका बच्चा, वो एक गरीब का बच्चा है, उसके पास खेलने के लिए महंगे खिलौने नहीं, बस माँ का आंचल है। वैभव की बातें डिंपल की आंखें खोल देती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा डिंपल जी,
अपने बच्चे का ख्याल रखिए एक माँ की तरह। नुपुर डिंपल को मालिश करना, नहलाना, धुलाना सिखाती है, जिसके बाद उसे अपने बच्चे से लगाव हो जाता है और वह अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करने लगती है।